इस मशीन को बूम प्लेशिंग कंक्रीट पंप कहते हैं, और ये जो मशीन है वो 47 मीटर की मशीन है हाइट तक, जो कंक्रीट होता है वो 47 मीटर हाइट तक जाकर कंक्रीट डाल सकती है मशीन। और ये अभी देखो मशीन लगाई है हमने नीचे, और उसके बाद अभी ये हाइट के लिए ऊपर खड़ी की जा रही है, आप सभी लोग देख भी रहे होंगे इसके लिए। और ये मशीन अभी जैसे जैसे खुल रही है और वैसे वैसे करके हाइट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और अभी देखिए ये अभी जो मशीन है इसमें सबसे एक अच्छी बात है, और सर्कल भी लगा हुआ है, ये घूम भी सकती है, चारों तरफ घूम सकती है मशीन, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मशीन है हमारी, तो ये अभी हाइट के लिए जैसे कंक्रीट होता है, जैसे जहाँ पे सपोर्टिंग नहीं मिल पाती है वैसा पंप नहीं लग पाता है, तो उसके लिए है कंक्रीटिंग के लिए। अभी देखो ये खुल चुकी है मशीन पूरा, अभी ऊपर के लिए इसको हाइट कर रहे हैं, सीधा करा जा रहा है, ठीक है। एक देखिए ठीक है, ये मशीन अभी हाइट पे जा रही है सीधी, आप देख रहे होंगे सभी लोग, और ऊपर जाएगी सीधी ये, फिर वहाँ से कंक्रीट होगा इसका, ठीक है। अभी ये सीधी हो चुकी है, देखो ये 47 मीटर, ये सबसे बड़ी कंक्रीट पंप है, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो ये सीधी हो गई, और अभी हाइट वहाँ तक पहुँच चुकी है, और पहुँचने के बाद एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है इस पंप का, सबसे अच्छी बात है ये कंक्रीट यहाँ से डायरेक्ट जाता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर ये हाइट के लिए यूज करते हैं, जैसे जहाँ पे कंक्रीट हमें हाइट पे डालना है 15 मीटर या 50 मतलब 30 मीटर 40 मीटर की जो बिल्डिंग होती है हाइट की, उसको ऊपर ले जाके डायरेक्ट हम पंप से कंक्रीट कर सकते हैं। ये पूरा खुल चुकी है मशीन अभी, और खुलने के बाद देख रहे होंगे आप ऊपर टेरेस की तरफ पहुंच चुकी है, वहाँ पर इसको मोड़, वहाँ से थोड़ा सा इसको मतलब 90 एंगल में थोड़ा सा किया जाएगा, जिससे क्या है वो वहाँ पे एक पंप का जो एक वहाँ पे भी पंप के पाइप लगाए जाएंगे जहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी देखो ये जो मशीन है नीचे आ रही है, समझ रहे, ये जैसे इकट्ठी होती है कैसे रखते हैं, और ये सब हो रहा है, ठीक है ये हो गया। और ये देखो जो मशीन का जो सब ऑपरेटर है वो देखो ये रहा, ऑपरेट करने के लिए मशीन का सिस्टम जो है जहाँ से ऑपरेट किया जाता है, मशीन जहाँ भी पहुँचानी है ऑपरेटर के द्वारा ही पहुँचानी है। तो ये जो मशीन है ये नीचे आ चुकी है, और नीचे आने के बाद अभी ये मशीन देखो उसी पे लग जाएगी। तो ये जो मशीन का प्रोसीजर है ये पूरा प्रोसीजर होता है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये मशीन सभी बहुत फ़ायदेमंद है, और ये जो मशीन जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है, ऑटोमेटिक ही पंप डायरेक्ट पंप भी इसमें लगी हुई होती है, पंप के द्वारा डायरेक्ट ही ये मशीन ऊपर तक लेके जाती है। अभी देखो ये मशीन लगी हुई है, इसके साथ में एक और आपके लिए ये जो ऑपरेटर है, देखो यहाँ से सीधा ऑपरेटर ऊपर के लिए ऑपरेटिंग कर रहा है, ठीक है। ये मशीन से मशीन अभी ऊपर पहुंच गई है, ऊपर पहुंचने के बाद ये मशीन देखो नीचे अभी उतारी है, तो नीचे आ चुकी है मशीन। तो ये है जो मशीन उतराई, अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये मशीन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अभी ये उस पर गाड़ी के ऊपर हो जाएगी, और ये पीछे जो लग रहा है ये पंप का सिस्टम, यहाँ से क्या प्रेशर होता है और सीधी कंक्रीट ऊपर तक जाती है, जो आप देख रहे होंगे पीछे पंप का जो लग रहा है सिस्टमेटिक, ये पंप है, इसी पंप के पास में कंक्रीट की गाड़ी लगाई जाती है जहाँ से ऑपरेटिंग किया जाता है। तो ऐसा सिस्टम है ये, और ये सिस्टम बहुत फायदा रहता है इससे, क्योंकि डायरेक्टली कंक्रीट हो जाती है। अभी देखो मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पे आरएमसी की गाड़ी लगा रखी है, पंप ये रहा सीधा कंक्रीट जा रहा है, आप देख रहे होंगे, और ये पंप से कंक्रीट सीधा जाने के बाद अभी डायरेक्ट बीम के अंदर कंक्रीट जा रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये देखो ऊपर टेरेस है, टेरेस पे ये पाइप लगा रखा है यहाँ से, और ये देख रहे होंगे आप इसमें कंक्रीट चल रहा है, और ये देखो वो जो आपको दिख रहा है जो सेटिंग लगी हुई है वहाँ पे ये कंक्रीट हो रही है, ठीक है। तो वो वहाँ तक पाइप ये लगा के रखा है,
ठीक है, ये लोहे के पाइप हैं जो नीचे डाले हुए हैं, और यहाँ पे देखो ये सब किया हुआ है और कंक्रीट चालू है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि देखो कितना बेनिफिट है, कितना अच्छा है। और ये कंक्रीट के साथ में निडल वाइब्रेटर का भी यूज किया जा रहा है, जिससे क्या है निडल वाइब्रेटर से क्या है ठीक से कंक्रीट जो होता है कहीं जो खड़ी खड़ी नहीं दिखनी चाहिए, या मान लो डायरेक्ट पानी में दिखना चाहिए, तो वो मिक्सिंग करके ठीक से हो जाता है। और ये देखो चल रहा ना है बराबर, ये कंक्रीटिंग हो रही है, ऐसा सिस्टम है। और ये सब कंक्रीटिंग कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। ये मेरा फोटो है और मैं ही इसका इंजीनियर हूँ यहाँ पर, जो पूरा ये डिजाइन जो भी शरिया स्टील वेंडिंग या जो भी है सारा कुछ मैंने ही कराया है सारा काम। और ये मशीन भी मैंने ही मंगाई है, ये किराए पे मंगाई हुई मशीन है। तो कंपनी का काम है ये अपना इन्फोसिस फेस 3 में कंक्रीट हो रहा है असेंडिक्स की बिल्डिंग में, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों आपको कभी भी किसी चीज़ कंक्रीट के बारे में, इस मशीन के बारे में जानकारी के लिए आपको ज़रूरत पड़े, आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप हेलमेट लगा, हेलमेट मिस्टर, मिस्टर हेलमेट जैकेट, पास बनो जाओ अपने तुम्हारा, हाँ तुम दोनों का पास बनो, उसको छोड़ दो और पीछे वाले लिफ्ट से चले जाना, फिर जल्दी जाओ, तुम दोनों बनवा के लाओ, जल्दी जाओ फटाफट, और गिलैंड ले काटो फटाफट जल्दी से।